मैं उतेश और आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं हूँ बिलासपुर पे यार, काफ़ी दिक्कतों के बाद मैं बिलासपुर यहाँ आ पहुँचा हूँ। कल काफ़ी सारे बहुत सारे दिक्कत हुए, गाड़ी है दो बार पंचर हुए तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और कल जब यहाँ रात है तो पानी वगैरह स्टार्ट वगैरह हुई थी, यहाँ पे नीचे देखेंगे पानी वगैरह। कल रात में 10-11 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया था और 12 बजे आसपास लाइट है गोल हो गया था, वो जाके 1 बजे के आसपास समथिंग कुछ है। और कल क्या कुछ हुआ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। फिलहाल तो अभी मैं लवन पे हूँ और अपना गाड़ी का पंचर बनवाने के बाद और काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं निकलूँगा बिलासपुर। हुआ यूँ था कि मेरा गाड़ी का जो पंचर था, पंचर बनवा के रखा था, वो एयर है लीक हो रहा था। ट्यूबलेस टायर का गर्मी में ये दिक्कत रहता है, तो अभी मैं पंचर है बनवाऊँगा। अभी मैं डबल बत्ती है लगवा के टायर का पंचर है बनवा रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा बिलासपुर तो बार बार हवा लीक हो रहा था, इसलिए मैं पंचर है बनवा के निकलूँगा, क्योंकि बाहर में अगर कुछ गाड़ी ख़राब होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी मैं आया हूँ भाई की दुकान पे, यहाँ पे आपको सस्ते प्राइस में इडली और डोसा है खाने को मिलेगा, एक बार ज़रूर विज़िट करें। और मैं भी अपना पूरा काम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं निकलूँगा बिलासपुर के लिए। और यह है शिवनाथ नदी जोंधरा का, मैं पहुँच चुका हूँ जोंधरा से आगे लीलागढ़ फ्यूल पम्प पे। यहाँ मैं जब भी बिलासपुर जाता हूँ यहाँ से ठंडा पानी है लेके जाता हूँ। और यह है मल्हार, यहाँ पर काफ़ी सारी घूमने की जगह है। पतालेश्वर महादेव मंदिर है, डिंडेश्वरी माता मंदिर है, हनुमान मंदिर है, राजा महल है, चार चार जगह यहाँ आपको घूमने को मिलेंगे, तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करिए। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ मस्तूरी, मस्तूरी है सबसे बड़ा ब्लॉक है, तहसील है। अगर आप यहाँ से राइट की ओर जाएंगे तो शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा, और लेफ्ट की ओर जाएंगे तो सीधे बिलासपुर के लिए जा सकते हैं। मैं बस आपको यही कहूँगा, जब भी आप इस रोड पर पेट्रोल डलाते हैं थोड़ा सावधानी से डलाइए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कांटा है मारते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं मेन हाईवे रूट पे, यह जो रूट है NH-30 रूट है, और ये सीधे जांजगीर चांपा से अकलतरा होते हुए सीधे जाता है रायपुर के लिए। और इस रूट पे आप गाड़ी है थोड़ा सावधानी से चलाइए, क्योंकि इस रूट पे बड़े बड़े हाईवे है, ट्रेलर है, चलते रहते हैं, जिनसे दुर्घटना की आशंका है बनी रहती है। और अभी हम यहाँ से राइट की ओर जाएंगे, सीधे की ओर आप जाएंगे तो सीधा रायपुर है पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर अभी हम राइट की ओर जाएंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है बैरियर पॉइंट बिलासपुर। अभी मैं चौकसे कॉलेज के पास पहुँचा था और यहाँ पे मेरा गाड़ी है पंचर हो गया, या जो पंचर था मैंने लवन पे बनवाया था, वहाँ मैंने डबल बत्ती लगवाया था और वो पंचर पूरी तरह से बेकार हो गया, पूरा निकल गया। अच्छा वो भाई है दुकान खोल के रखा था, भाई ने काफ़ी अच्छे तरीके से पंचर है बनवाया था। मैं बिलासपुर जाके बिलासपुर पूरा घूमने के बाद पूरा घर आ गया, उसके बाद भी पंचर है, सही सलामत था, भाई को मेरा सलाम। मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बड़ा दुकान पे, बड़ा शॉप पे आप गाड़ी बनवाते हैं तो आपका गाड़ी है ठीक तरीके से प्रॉपर तरीके से बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो काम है बड़ा दुकान वाले, बड़ा शॉप वाले नहीं कर पाते, वो काम है छोटे दुकानदार वाले हैं कर दिखाते हैं। ऐसी कुछ घटना है मेरे साथ हुआ है। और अभी हमारा जो गाड़ी का पंचर है बन चुका है और अभी हम निकलते हैं बिलासपुर के लिए। किसी किसी को लगता होगा कि ट्रैवल करने के लिए जेब में पैसों का होना बेहद ज़रूरी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जेब में आपके पैसा हो वो भी काम नहीं आता है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं बिलासपुर, अभी मैं पहुंच चुका हूं बिलासपुर के गांधी चौक पे। यहां से कुछ ही दूरी पे है गांधी चौक, यहां पे है गांधी चौक लेफ्ट साइड पे। जब भी मैं यहां बिलासपुर आता हूं यहां से मैं चाय पी के जाने की कोशिश करता हूँ। ये जो जगह है सनिचरी मार्केट वाला मोड़ है, यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो सनिचरी बाज़ार होती है, आप सीधा बिलासपुर है निकलेंगे। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ रिवर व्यू बिलासपुर पे, और ये है अरपा पुल। अभी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन का काम है चल रहा है। अभी इस साल है पहली बार ऐसा हुआ था कि इस नदी पे बाढ़ है, पहली बार आया था ये जो बाढ़ है, काफ़ी दिनों बाद आया था और काफ़ी भयानक था। और नदी के उस पार है अजय भाई का रूम है, सबसे शुरुआत में तो अजय भाई के रूम चलते हैं। यहाँ मैं काफ़ी लोगों से मिलने वाला हूँ, अपने कॉलेज के इंजीनियरिंग फ्रेंड लोगों से, तो मैं सबको बारी बारी से मिलाने की कोशिश करूँगा, किन से मुलाकात है हुई है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अजय भाई के रूम और रूम है आपको लेके चलता हूं और मिलाता हूं अजय भाई से। जब भी गाड़ी पंचर होता है बार बार चेक करके देखना पड़ता है कि सही सलामत है या नहीं। और अभी मैं आपको ले चलता हूं भाई के रूम की ओर। यहाँ के मैंने देखा कि काफ़ी लोग हैं, आज भी रमन सिंह का सरकारी लैपटॉप है, आज भी सही सलामत बचा के रखें। और अभी हम जा रहे हैं कुरिटी भाई के रूम में, कुरिटी भाई अभी बिलासपुर पे है और अभी हम पहुँच चुके हैं कुरिटी भाई के रूम पे।
मैं कुर्टी भाई के लिए जलेबी है लेके आया था। बट भाई है जलेबी भी नहीं खाते, मांस मछली तो खाते नहीं है, जलेबी भी नहीं खाते, तभी हम इसको लेके जाएंगे रोशन भाई के रूम। अभी हम पहुंच चुके हैं कोरे भाई के रूम पे और मिलाते हैं, यहाँ कितने सारे लोग हैं सभी से मिलाते हैं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। ये अपना व्लॉगर भैया, ये अपना चोलू भाई, इसका नाम है कोरे भाई। हमारे कोरे भाई जो कि इलेक्ट्रॉनिक के इंजीनियर हैं, उन्होंने दिमाग लगा के एक ऐसा चीज़ है बनाया है जिससे कूलर का हवा है साइलेंट तरीके से रूम पे पहुँचे। तो कैसे करके बनाया उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको कूलर है दिखाई देगा और ये है बोरी का पाइप बना के, ये पाइप ही सीधे रूम पे खिड़की पे फिट कर दिया। कोरे भाई ने काफ़ी गजब का दिमाग लगाया, यहाँ पे जो एयर है यहाँ से आती है, पीछे एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, पीछे आप देखेंगे वहाँ से यहाँ का जो गर्म हवा है बाहर जाती है। काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया कोरे भाई ने, काफ़ी सुकून फील हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी मुझे देखने को मिला भाई लोग हैं सरकारी लैपटॉप आज भी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और आज है बिलासपुर पे काफ़ी ज़्यादा आंधी है, तूफान है आया था और अभी लाइट है बंद है। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये जो जगह है बिलासपुर का सीपत चौक है, ये